हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डायल पैड टोन का। डायल पैड टोन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका जो है ना ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी डायल पैड टोन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ना ये डायल पैड होता है, ठीक है, फ़ोन ऐप होता है। इस फ़ोन ऐप के अंदर आपका ये डायल पैड होता है। इस डायल पैड पर अगर आप कोई सा नंबर आप दबाएंगे ना तो आपका जो डायल पैड है या एक साउंड क्रिएट करेगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हल्का सा साउंड क्रिएट होता है मेरे मोबाइल फ़ोन में से, ठीक है, ज़्यादा लाउड नहीं होता है, शायद आपको मेरे सेकंड कैमरे से सुनाई दे गया होगा इसका साउंड, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डायल पैड टोन सेटिंग इनेबल करने के बाद आपके डायल पैड से साउंड की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है। अब मैं आपको ये डायल पैड टोन सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या, मोबाइल फ़ोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है डायल पैड टोन, ठीक है। आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा डायल पैड टोन का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।